गाइस इट्स देविना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द हैप्पीनेस कॉकटेल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और आज का मेरा जो वीडियो है वो है बेबी हॉल। ओ माय गॉड, आई एम फिल्मिंग बेबी हॉल फॉर इन माय चैनल। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। मेरा बेबी अभी 3 मंथ का है, दिवांग, इफ यू डोंट नो ऑलरेडी। सो उसके लिए मैंने बंच ऑफ चीज़ें ऑर्डर करी है अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से, अमेजॉन में जो अभी फेस्टिवल चल रहा था। सो आई थॉट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल एज वेल, क्योंकि बहुत सारी ऑसम चीज़ें हैं तो ये तो मुझे इंक्लूड करना ही था। और बहुत सारी वीडियोस ऐसी और आएंगी अब तो बेबी हॉल होते रहेंगे। सो आई होप यू गाइस फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो नाउ। सो फर्स्ट ऑफ द थिंग विच आई कैन सी इज दिस वन बेबी फेस का फेसेस ब्लैक एंड वाइट बुक है। ये ऐसा बुक आती है, इसमें काफ़ी सही है और ये इसका पेजेस जो है ना काफ़ी सॉलिड है, तो वो मोड़ेगा भी तो मुड़ेंगे नहीं। और यहाँ यू कैन सी हियर फेसेस हैं, तो वो अपना फेस देखेगा इसमें। बेबी को भी फेसेस का ब्लैक एंड वाइट और कलर चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। फेस एक्सप्रेशन, अभी 3 मंथ का है वो, तो फेस एक्सप्रेशन से बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। सो या दिस इज़ ऑफ 299 रुपीज़, बट मुझे 290 रुपीज़ में पड़ा है। सो आई रियली लाइक इट। सो दिस लुक्स लाइक समथिंग लाइक दैट। एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई परचेज फॉर देवांग इज दिस माई फर्स्ट लाइब्रेरी। दिस इट्स लुक समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ फ्रॉम वंडर हाउस का है। ये 349 रुपीज़ का मुझे मिला है। इसका MRP इज $19 है, $19 का है ये। और ये इसमें ना एज यू कैन सी हियर इसमें बंच ऑफ थिंग्स हैं, माई फर्स्ट बुक ऑफ कलर्स, फ्रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट वेजिटेबल बर्ड्स समथिंग लाइक दैट। सो अभी मुझे कलर्स पे उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ मैं, क्योंकि कलर्स बहुत ज़्यादा अभी बच्चे इंजॉय करते हैं। तो सो फॉर एग्जाम्पल येलो है तो लेमन और सनफ्लावर यहाँ दिया हुआ है, एजेंसी लेमन और सनफ्लावर है। एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं, पिंक है तो रोज़ है और कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी ओके, बेबीज़ को कॉटन कैंडी काफ़ी पसंद होता है। तो या और तो ये एक अच्छी चीज़ है उसके लिए। और हम लोग चाहते हैं कि जितने जल्दी बुक इंट्रोड्यूस करते हैं बेबी को उतना अच्छा होगा। अब सबका अलग अलग रहता है, ऐसा कुछ है नहीं कि आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, सबका अपना है। तो ये एक और एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ, ट्रांसपोर्ट का है तो वैन है, एम्बुलेंस है। ये तो अभी खैर अभी इतना उसको समझ में नहीं आने वाला, तो ये थोड़े बड़ों बच्चों के लिए 1 साल तक वाले। ओके सो ये एक चीज़ मैंने ख़रीदा, बहुत सही है, बहुत वर्थ थिंग है और ये गिफ्ट पर्पज़ के लिए भी वेल एंड गुड है, यू नो। और द नेक्स्ट थिंग विच आई परचेज फॉर माई बेबी बॉय इज़ दिस वन, हारमोनियस म्यूज़िक का है ये। ये कितने का था, हैंगिंग टॉय 469 रुपीज़ का है ये। मैंने ये ओपन नहीं किया था, आई थॉट आई विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। 650 इसका MRP है, बट मुझे 467 रुपीज़ में पड़ गया, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था। और ये ऐसा है, इसकी क्वालिटी कुछ इस तरीके की है। और उसके बाद मैंने एक और बड़ी चीज़ जो ऑर्डर करी है दिवांग के लिए इज़ दिस पियानो फिटनेस रैक। ये बेबी जिम होता है, एज यू कैन सी ये इतना बड़ा है। और यहाँ फोटो जिस दिख रहा है ये वैसे ही है, ये 1000 रुपीज़ का ही है। MRP कितना है आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, पता नहीं इसका कितना MRP है, बट मुझे ये पड़ा 945 रुपीज़ का। MRP कहीं नहीं लिख रखा है इन्होंने भैया। ओके सो ये ऐसा है, इसमें लेटेगा और ये अगर ये पाँव मारेगा तो वो पियानो से बजेगा। ये बहुत ही सही है और ये गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे, तो आई रियली लाइक इट। एंड मैं इसको दिखाऊंगी आपको कैसा है बेबी देवांग कैसा एंजॉय कर रहा है इसको, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। यहाँ वीडियोस का भी डालूंगी, आई एम रियली रियली एक्साइटेड। एंड द नेक्स्ट थिंग विच माय फ्रेंड हैज़ गिफ्टेड मी और आई थॉट कि आई शुड इंक्लूड दिस हियर, बहुत सही चीज़ है ये। ये कुछ इस तरीके का है, इसमें आपको पानी भरना है और ये जो ये सारी जो है ना फिश और ये सारी चीज़ें ये पूरा तैरने लगेगी, तो बेबी उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, बेबी इसके ऊपर रहेगा, तो जब टमी टाइम देना है या बेबी को कुछ एक्टिविटीज़ कराना है उसके लिए अच्छा है। तो अभी मैं दिवांग को स्टार्ट करूँगी, अभी वो तो टमी टाइम में तो 5-6 मिनट ही रह पाता है, उसके बाद उसको थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए अभी मैं कर नहीं रही हूँ बट मैं आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन। और दिवांग को बहुत ज़्यादा नहाना पसंद है, तो आई होप ही इज़ गोइंग टू एन्जॉय दिस अलॉट। सो इसका भी मैं प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और एक और जो गिफ्ट मिला है उसको दिवांग का, ये भी मैं इंक्लूड कर ही देती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे कपड़े के ऊपर, तो हम मैं सोची ये फिनिश कर देते हैं। ये मेरी फ्रेंड ने आई थी तो उसने दिया है, बहुत ही सही लगा मुझे ये, ऐसा करके है। इसमें भी फुलाना है इसको और फिर यहाँ पानी भर देना है, तो बेबी इसमें इंजॉय करेगा, पर ये जब वो बैठना चालू करेगा तब के लिए, तो अभी थोड़ा टाइम है उसको, ये अभी 3-4 महीना तो कम से कम है ही उसके पास। सो बट दिस वन टमी टाइम के लिए मैं इसको इंक्लूड ज़रूर करूँगी अलग गिफ्ट को।
और जो नेक्स्ट थिंग विच आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड आई वॉन्ट टू शेयर दिस विथ यू ऑल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दिमाग की लाइफ में, ये डायपर है उसका. मैं एक्चुअली मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ फुल फॉर श्योर, कि मैं डायपर उसको जो डायपर होता है ना वाला डायपर कम जितना कम हो सके मैं उतना कम इंक्लूड करती हूँ. हाँ, जहाँ हालांकि सोता है तब और रात के टाइम में करती हूँ, बाकी दिन में मैं जितना कोशिश हो सके मैं इसमें करती हूँ. कि ये कॉटन है और ये लीक प्रूफ है, मतलब आपको एक घंटे डेढ़ दो घंटे में मतलब जब कर लेगा वो एक दो बार उसका सुसु उसके पास हो जाएगा तो उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा गीला हो जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि चेंज करना. वैसे भी एक घंटे दो घंटे में आपको करना ही होता है, ज़्यादा अच्छा है. अभी मेरे पास सिर्फ दो पैकेट हैं और सारे धुलने में डले हुए हैं, तो मैं एक का क्या करती हूँ कि मैं कंटिन्यूसली उसको चेंज करते जाती हूँ, रखते जाती हूँ, फिर मशीन चला लेती हूँ. मशीन में बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है. अगर आप हाथ से सुखाओगे तो आपको दो दिन लग जाएगा आई फील, मेरे को ऐसा लगता है. बाकी वॉशिंग मशीन में बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है ये, तो ऐसा कुछ है ये, ऐसा हो जाएगा ये. एज यू कैन सी बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत आई कांट रिकमेंड यू इनफ कि ये कितना अच्छा है दिमाग के लिए. दिस इज़ द बेस्ट थिंग हैपन टू द बेबी, मतलब बहुत अच्छा चीज़ है ये. ऐसे बॉक्स में आता है तो ये तीन का सेट है और एक आता है 569 रुपीज़ का. आई नो इट्स कॉस्टली बट इट्स वर्थ अ पेनी, यू नो. तो ये मेरे दिमाग के पास दो ऑलरेडी है, मतलब 6 पेयर हिज ओनिंग, बट अभी मैंने और दो पेयर्स ऑनलाइन कर दिए हैं ऑर्डर. होप इट विल गोना रिसीव सून. तो मैं इसका वीडियो इसका भी फुटेज डाल दूंगी कैसे आता है. बट इसको अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो प्लीज़, मतलब मैंने से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मैंने सर्च किया और मैं हेड एंड ट्राई कर रही थी तब मुझे ये फाइनली फाउंड आउट हुआ और आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर हिम कि ये बहुत अच्छा है उसके लिए. तो मैं रिकमेंड करूँगी प्लीज़ डू दिस. और डायपर बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होता तो बेबी को रैशेज भी आ जाते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें हैं, दिस इज़ सो गुड, यू नो, ट्राई इट आउट एंड टेल मी. और फिर उसके बाद बहुत सारे कपड़े हैं देवांग के लिए, सो स्टे ट्यून, अब कपड़े ही बचे हुए हैं. सो ये मैंने पहला सेट देवांग के लिए मंगाया है. दिस इज 6 to 9 month पैक ऑफ 3 800 रुपीज़ का है. ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिले मुझे मिल गई सारी चीज़ें. मैंने ओपन भी नहीं किया है फॉर द सेक ऑफ वीडियो, यू नो, बट मैं सोच रही हूँ पहले मैं थंबनेल ले लेती हूँ फिर मैं खोलूँगी. मेरा मैंने 1 2 3 एंड वी आर बैक. मैंने थंबनेल ले लिया, टेल मी हाउ इट इज़. तो बहुत सारे कपड़े हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन नाउ. मैं सारा यहाँ डाल दूंगी प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट्स के लिंक होंगे तो मैं प्राइस ज़्यादा बार बार नहीं बताऊंगी, प्लीज़ डू चेक इट आउट. तो एक ये ऐसा है, ये इसका पैंट है. अभी ठंड चालू हो गया यहाँ पर नॉर्थ में. सो ये इसका बहुत ही क्यूट सा टॉप है, ये थोड़ा बड़ा है आई नो, मतलब अच्छा थोड़ा ढीला कपड़ा मुझे पहनाना काफ़ी पसंद है क्योंकि टाइट बहुत ज़्यादा सफोकेशन टाइप का फील होता है बच्चों को, तो मैं ये नहीं चाहती, इसलिए मैं थोड़े ढीले कपड़े लेती हूँ. ये 6 to 9 month का है, होप पता नहीं कब तक चलेगा. और डेली मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े धुलते हैं बच्चे के, तो मतलब दिन में वो 5-6-7 बार कपड़े चेंज हो जाते हैं उसके, तो इसलिए मुझे ज़रूरी था कि बहुत सारे कपड़े हों. और नेक्स्ट थिंग इज़ दिस वन, ये इसका पैंट है, कितना क्यूट सा पैर कपड़े आते हैं और इसके साथ ये वाला टॉप है, हाउ क्यूट राइट. आई नो ये सारा कपड़ा मुझे धोने में डालना है और कल देवांग कल 24th of October है कल, और देवांग का 3 month कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे इनमें से कोई एक कपड़े में इसका फोटोशूट करना है. सो दैट्स व्हाट आई एम रियली रियली एक्साइटेड, मुझे कपड़े सारे धोने में डालना है. बच्चे को कोई भी पुराने मतलब नए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, हमेशा धो के पहनाते हैं. तो या सो ये एक इसका एक ये है सेम अच्छा है साइज़ में काफ़ी अच्छा और कप मटेरियल अगर आप इसको छू पाते हैं ना तो आपको पता चलता है बहुत अच्छा मटेरियल 100% कॉटन है. दिस इज़ ऑल्सो सो क्यूट बटरफ्लाई बना हुआ है और अभी पूरे पहनना पड़ेगा क्योंकि हम लोग उसे नीचे वॉक पे ले जाते हैं ना तो पूरा कवर रहे तो ज़्यादा बेटर है. और एक ये तो टॉप है पर्पल कलर का है, टॉप टी शर्ट शर्ट क्या बोलते हैं पता नहीं, टॉप तो नहीं है, खैर टॉप तो लड़कियों का होता है नो. ये सारा बम्जी कंपनी का था, काफ़ी अच्छा ब्रांड है अमेज़ॉन का, बहुत क्यूट है यार ये पर्पल कलर वाला और उसके साथ ऐसा पैंट है. आई लाइक दिस वन मोर, मतलब ये जितना भी होगा बड़ा भी होगा ना तब भी वो नीचे नहीं खसकेगा तो ये थोड़ा अच्छा लगता है मुझे ऐसे वाले. ये सो क्यूट, कपड़े का मटेरियल काफ़ी अच्छा है और ये मैंने मंगाया, ये भी बहुत अच्छा काम आने वाला है ठंड पे. तो ये आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है दिमाग पे, व्हाट डू यू गाइस से ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा ऊपर, खैर ठीक है. ओ ये ऐसा कवर वाला है, ओके दिस इज़ गुड आई लाइक इट. इसका मटेरियल भी अच्छा है बट उसका ज़्यादा अच्छा मटेरियल था, ये फोटो वोटो के लिए मैं अच्छा आएगा इसलिए मैंने लिया है.
एक ये हुआ उसके साथ, फिर एक ये आया है, ये भी काफी बड़ा है, बाकी बहुत क्यूट लग रहा है यार, ये बहुत क्यूट है। इसमें भी ऐसे ही कवर है, as you can see here, मतलब सॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। सो ये मेरे अभी हम लोग ट्रेवलिंग करने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसके बहुत अच्छा काम आने वाला है। और ये तो ओके लग रहा है, ये उतना क्यूट नहीं लगा मुझे, ये घर पहन ला लूंगी, नाइट सूट टाइप का, नाइट सूट टाइप का ये। और नेक्स्ट थिंग इज दिस वन, ओ सो क्यूट राइट, ओ सो क्यूट, ये पिंक कलर का है बट एनीवेज ही इज गोइंग, ही लुक्स क्यूट इन पिंक कलर। और ये ऑरेंज, ये भी बहुत प्यारा लगा है मुझे, बहुत क्यूट लग रहा है यार ये भी। और एक ये है, ये भी, ये सारे बम्जी कंपनी के थे, मैंने जितने कपड़े ऑर्डर किए सब बम्जी कंपनी के, बहुत अच्छा ब्रांड लग रहा है यार मेरे को तो ये। और नेक्स्ट इज दिस वन, एक ये है, ये कितना क्यूट है, इसमें किटी बना हुआ है, किटी पिंक कलर का, सो उसी का सेट है ये, सॉफ ये इसका नीचे वाला। और फिर ओके एंड देन ओ माय गॉड, दिस इज द क्यूटेस्ट वन यार, ये है नेक्स्ट वन, बहुत क्यूट है, ट्विट ट्विट, वाओ सो क्यूट, ट्विट ट्विट। और ये इसका नीचे का पेंट है, as you can see here, so cute, right? And the next we have, ओह अगेन ये, मुझे एक्चुअली टी शर्ट और पैंट बनाना ज़्यादा पसंद है इसको, और वो भी कंफर्टेबल इसी में महसूस करता है। रोमपर वोमपर उतना ज़्यादा मुझे भी नहीं पसंद, उसको भी नहीं पसंद है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल थोड़ा फील होता है। तो मैं सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए और थोड़ा कहीं जाना है तो उसके लिए मैं उसको पहना देती हूँ। और ये कि उसका पैंट है नीचे का, और ये एक टी शर्ट है, सो क्यूट, फ्लावर बना हुआ है, फ्लावर गर्ल, ओ माई गॉड, इसमें गर्ल लिखा हुआ है। एनी वेज कुछ नहीं होता, ये भी बम्जी ब्रांड का है। और ये उसके नीचे का है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव दिस वन, ओके ये है ऑरेंज कलर का है, इसमें पांडा बना हुआ है, एज़ यू कैन सी हियर, बहुत ही क्यूट है। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस वन, इसमें भी पांडा बना हुआ है, बट ये सो क्यूट यार, ये शायद मैं इसी को कल पहनने वाली हूँ। दिस आई थिंक आई हैव सो मैनी ऑप्शंस, लेट्स सी। आप मेरे को देवांग दोनों को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मेरा हैंडल है द हैप्पीनेस कॉकटेल, देवांग का है देवांग सिंगर, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं उसमें। सो ये मतलब देवांग का तो अकाउंट मैं ही हैंडल करती हूँ, सो मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ देवांग के अकाउंट में, अपने अकाउंट में, दोनों के अकाउंट में। सो या गाइज, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइज टुडे, आई होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर दिस फेस्टिव सीजन एंड आई होप यू गाइज टू। और कुछ भी लेना होगा तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही लेना, इट्स एफिलिएट लिंक, सो आई गेट लिटिल बिट कमीशन, बट फॉर यू गाइज इट्स द सेम प्राइस। एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी, एंड या कीप स्माइलिंग, बाय, टेक केयर। Oh,